ये खुशी केवल खिलाड़ियों की नहीं, उनके परिवारों की भी नहीं, ये पूरे देश की खुशी है। आज पूरा देश खुशी से झूम रहा है। आज गर्व का दिन है, क्योंकि आज 5 अगस्त ऐतिहासिक है। आज राष्ट्रीय खेल हॉकी के पुनरुदय का भी दिन है। 1980 में भारत ने मॉस्को ओलंपिक में हॉकी का गोल्ड मेडल जीता था। उसके बाद 41 वर्ष भारत की झोली हॉकी में खाली रही। आज 41 साल के बाद हॉकी में भारत ने कांस्य पदक जीता है। कांस्य में सोने जैसी चमक तो नहीं होती, लेकिन जिस तपस्या से टीम इंडिया ने इस कांस्य मेडल को हासिल किया है, उससे इस कांस्य के पदक की चमक सोने से कम नहीं। ये जश्न ऐतिहासिक जीत का है। खुशी का ये लम्हा 4 दशक के लंबे इंतजार के बाद आया है। इस खुशी के लिए 41 साल से इंतजार कर रहा था जीत। आतिशबाजी हो रही है, मिठाइयां बांटी जा रही है, लोग खुशी से थिरक रहे हैं। ये भारत के राष्ट्रीय खेल हॉकी का गौरवशाली दिन है। सड़क से संसद तक खुशियां छलक रही हैं। मुझे सदन को यह सूचित करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि भारत की हॉकी टीम ने 41 वर्षों की लंबी प्रतीक्षा के बाद भारत के लिए कांस्य पदक जीता है। देश को गर्व से इतराने का मौका कठिन संघर्ष के बाद मिला है, वरना टोक्यो के ओई हॉकी स्टेडियम में भारत की राह में बाधा खड़ी करने में जर्मनी ने पूरी कोशिश की थी। जर्मनी के तिमूर ओरूज ने मैच के दूसरे ही मिनट में 8 बार के ओलंपिक चैंपियन पर अपनी टीम को बढ़त दिला दी थी। दूसरे हाफ के दूसरे मिनट में सिमरनजीत सिंह ने भारत को बराबरी पर ला दिया, लेकिन मैच के 24वें मिनट में निकलस वैलेन और 25वें मिनट में बेनेडिक्ट फर्क ने जर्मनी को 3-1 से आगे कर दिया। मगर जर्मनी के लिए अभी एंटी क्लाइमेक्स बाकी था। धमाकेदार वापसी करते हुए भारत ने गोलों की झड़ी लगा दी। 27वें मिनट में हार्दिक सिंह, 29वें मिनट में हरमनप्रीत सिंह, 31वें मिनट में रुपिंदर पाल सिंह और 34वें मिनट में सिमरनजीत सिंह ने गोल कर भारत को 5-3 से आगे कर दिया। जर्मनी की टीम इसके बाद ही गोल उतार सकी, जो 48वें मिनट में लुकस विनफेडर ने किया। 1980 में गोल्ड के बाद पुरुष हॉकी में भारत ने कोई ओलंपिक पदक जीता है, लिहाजा इस कांस्य की खुशी गोल्ड जैसी ही है। वो गर्व और उल्लास पीएम मोदी के इस ट्वीट में भी छलक रहा है। पीएम ने ट्वीट किया, प्रफुल्लित भारत, प्रेरित भारत, गर्वित भारत। टोक्यो में हॉकी टीम की शानदार जीत पूरे देश के लिए गर्व का क्षण है। ये नया भारत है, आत्मविश्वास से भरा भारत। हॉकी टीम को फिर से ढेरों बधाई और शुभकामनाएं। भारतीय हॉकी टीम को बहुत बहुत बधाई, जिन्होंने भारत को एक और मेडल जिताया है और 135 करोड़ भारतीयों को चेहरे पर खुशी लाए हैं। इन्होंने अपने प्रदर्शन के कारण, अपने खेल के कारण ना केवल पदक जीता है, 135 करोड़ भारतीयों का दिल भी जीता है। 40 वर्षों के बाद एक बार फिर हॉकी टीम ने मेडल जीता है। भारतीय मेंस हॉकी टीम को बहुत बहुत बधाई। ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य जीता है, लेकिन इसकी अहमियत गोल्ड से कम नहीं है, क्योंकि पिछले 41 साल से ओलंपिक में भारत की झोली खाली ही रही। उम्मीद की जा रही है कि टोक्यो की ये जीत हॉकी में आज के बाद ओलंपिक चैंपियन के गौरव की वापसी की दिशा में बड़ा कदम साबित होगा। टोक्यो से बोरिया मजूमदार और राहुल रावत के साथ आज तक ब्यूरो।